गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन इंग्लिश दैट इज कॉन्सोनेंट एंड वावल्स ओके हम क्या स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले सो यस वी हैव टू डू ए एंड बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी शो यू समथिंग ओके सो वट आई हैव रिटन ओवर योर ये नॉर्मल हमारे लेटर्स है ए टू जेड सो लेट्स रीड इट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ओके सो इन दीज लेटर्स ओके इसमें कुछ लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेस और कुछ होते हैं वावल्स ओके okay. हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में नो लाइक वी हैड ऑलरेडी वावल्स टू स्टडी तो हमने ऑलरेडी वावल्स स्टडी किया था सो लेट लेट्स अगेन डू अर रिविजन सो ये जो लेटर्स होते हैं इसमें से सम लेटर्स आर कॉन्सोनेस एंड सम आर नोन एज वावल्स ओके अगेन सम लेटर्स आर कॉन्सोनेस एंड सम आर नोन एज वावल्स सो वॉट आई एम गोइंग टू डू अवर योर इज दैट

आई ओ एंड यू ओके ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश में पाँच क्या होते हैं वावल्स होते हैं एंड लीविंग दीज लेटर्स बाकी के जो लेटर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं कॉन्सनेंस ओके सो वट आई विल डू ओवर यर इज दैट ये जो हमने ए टू जेड किया है मैं सबसे पहला इसमें क्या करूँगी आई एम गोइंग टू सर्कल दी वावल्स ओके लेट्स सर्कल दी वावल्स. नाउ ए इज अ वावल राइट ए क्या है ए वावल है ना तो हम क्या करेंगे ए को सर्कल कर देंगे देन इज बी अ वावल, बी यहाँ पे दिख रहा है आपको नो no. बी वावल नहीं है तो वो क्या है वो कॉन्सनेंट है ओके इट इज अ कॉन्सनेंट देन सी इज सी ओवर नो तो सी क्या हो जाएगा सी बी कॉन्सनेंट होगा देन वी हैव वॉट डी D is a vowel. No, it is not a vowel. तो हम उसे circle नहीं करेंगे। और D क्या हो जाएगा? D consonant हो जाएगा। Now we have E. Can you see E over here, right? So E क्या है? E is a vowel. So what we will do? We will circle the vowel. Okay. Then we have what? Then we have F. Okay. फिर क्या है F? F is F a vowel? No, F is नॉट अ वावल तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे देन वी हैव जी जी इज वॉट इज ऑल्सो नॉट अ वावल मीन्स इट इज अ कॉन्सनेंट देन वी हैव एच एच इज अगेन अ कॉन्सनेंट देन वी हैव आई राइट तो आई क्या है आई वावल है सो वॉट वी विल डू वी विल सर्कल दावल देन वी हैव जे ओके जे इज वॉट जे इज अ कॉन्सनेंट के इज ऑल्सो अ कॉन्सनेंट एल यहाँ पे नहीं है तो वो भी क्या है कॉन्सनेट है एम इज ऑल्सो अ कॉन्सनेट एन इज ऑल्सो अ कॉन्सनेट नाव वी हैव ओ ओ है ना यहाँ पे तो ओ क्या है ओ आपका वावल है राइट सो वॉट सर्कल ओ दल्सो देन वी हैव पी क्यू आर एस टी ये सब क्या है ये Consonant है बिकॉज यहाँ पे नहीं है ना वो देन वी हैव वॉट देन वी हैव यू सो यू इज वॉट यू इज अगेन वॉट यू इज अगेन अ वावल देन वी हैव वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्या है कॉन्सनेट है तो हमने देखा हमने क्या किया है हमने ए आई e, O, U. ये क्या है ए ई आई ओ यू दीज आर योर वावल्स ओके सो वॉट आर द वावल्स आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वावल्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं सो देर आर फाइव वावल्स एंड दे आर ए ई आई ओ यू स्टूडेंट्स प्लीज रिपीट आफ्टर मी द वावल्स आर ए आई ओ क्यू ओके एंड लीविंग डीज लेटर्स ये लेटर्स छोड़ के बाकी के सब क्या होते हैं कॉन्सनेंस होते हैं तो वी हैव बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये क्या है ये है आपके कॉन्सनेंस ओके दीज आर योर कॉन्सनेस वन आई विल डू आई विल राइट द कॉन्सनेस ऑफ यर सो वॉट आर कॉन्सेंडेंस आपके कॉन्सडेंस है बी सी डी ई तो यहाँ पर आ गया है तो वी हैव एफ देन वी हैव जी एच आईज ओवर येन वी हैव जे खे ओके देन वी हैव एल एम एन ओ यहाँ पे है तो फिर क्या आएगा पी क्यू आर एस टी यू भी यहाँ पे है तो यू के बाद क्या आया वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी ओके okay? तो आपके ये क्या है ये आपके कॉन्सेंस है नाउ नाउ वट आई एम गोइंग टू डू इज दाओ आई नीड टू एक्सप्लेन यू समथिंग सो फॉर दिस आई विल शो यू दिस पेज अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं ए और एन ओके दिस इज वॉट ए एंड दिस इज एन एन सो एंड एन तो ए कहा पे लगाते हैं और एन कहा पे लगाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं दैट वी विल सी टूडे सो वट इज ओवर योर ए कम्स बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेट साउंड ओके ए वहाँ पे लगता है जिसके वर्ड्स स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेस से ओके ना व्हाट आर द कॉन्सोनेंस स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट क्या है हमारा बी सी डी एफ जी फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इफ आई राइट ठीक है मैं अभी यहाँ पे लिखती हूं बैट ओके व्हाट आई एम राइटिंग बी ए टी बैट ठीक है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बी ए टी बैट लिखा है अभी बी जो आपका फर्स्ट लेटर है ये वर्ड का दैट इज व्हाट बी बी क्या हुआ बी कॉन्सनेंट हुआ या वावल हुआ बी इज अ कॉन्सोनेंट राइट तो जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे आप क्या लगाते हैं वहाँ पे आप लगाते हैं अ ओके सो हाउ यू विल राइट दिस अ बैट ओके अ बैट लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इफ आई राइट फॉर एग्जाम्पल ओके एग्जाम्पल आई टेक पैन ओके पी ए एन पी ए एन क्या होता है पी ए एन होता है पैन अब ये जो वर्ड है पी ए एन पैन इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है वॉट इज द फर्स्ट लेटर इट इज पी नाउ चेक पी कॉन्सनेंट है या वावल है आप देखोगे यहाँ पे पी क्या है आपका सी यू हैव पी ओवर तो पी क्या हुआ कॉन्सनेंट हुआ तो कॉन्सनेंट को आप क्या लगाओगे कॉन्सनेंट को आप लगाओगे अ ठीक है कॉन्सनेंट को आप लगाओगे ओ तो यहाँ पे अ आएगा ना यहाँ पे क्या आएगा अ आएगा एन जो आपके वावल्स होते हैं उसको आप क्या लगाते हो उसे आप लगाते हो एन ए एन एन दैट इज एन कम्स बिफोर वर्ड्स डैट बिगिन विदल साउंड ओके वावल साउंड मतलब जहां पे वावल लेटर आते हैं ठीक है अब आपको पता है ना आपके वावल लेटर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ओवर योर ए एन टी एंड ओके क्या है ए एन टी एंड अभी ए जो है जो आपका फर्स्ट लेटर है वो क्या है कॉन्सनेंट है लेट सी सी कैन यू सी ए इज वॉट एज अ वावल तो वावल को आप क्या लगाओगे वावल को आप लगाओगे एन तो यहाँ पे क्या आएगा अः आएगा क्या एन आएगा यहाँ पे आएगा एन ओके सो इट इज गोइंग टू बी एन एंट ओके देन लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इग्लू ठीक है मैंने क्या लिखा है आई जी एल डबल ओ इग्लू ओके okay. सो so, पे आई इज वॉट आई क्या है आई कॉन्स्ट है या वावल है आई इज अ अवल एंड वावल को आप क्या लगाओगे वावल को आप पहले लगाओगे क्या एन तो इट इज गोइंग टू बी एन ए ग्लू आप अ ग्लू नहीं बोल सकते हैं बिकॉज आई इज अ वावल और वावल को क्या लगता है एन लगता है तो इफ सपोज आई वॉन्ट टू राइट ई जी जी वॉट इज ई जी जी ई जी जी इज एग तो यहाँ पे क्या आएगा अ आएगा क्या एन आएगा सी क्योंकि ई जो है जो आपका फर्स्ट लेटर है ये वर्ड का इट इज वॉर इट इज इट इज वॉर इट इज अ वावल एंड वावल को आप क्या लगाओगे आप लगाओगे एन सो इट इज गोइंग टू बी एन एग ओके एन एग फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ओवर जे यू जी जग अभी जे जो है वो क्या है लेट्स इज इट अ वावल ए यू वावल तो नहीं है तो वो क्या होगा वो कॉन्सनेंट होगा और कॉन्सनेंट को आप क्या लगाओगे अ लगाओगे तो इट इज गोइंग टू बी अग आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दिस पार्ट ओके सो अगेन लेट्स डू इट वावल्स वी पुट एन द साउंड विच इज स्टार्टिंग विद द लेट ऑफ वावल वहाँ पे एन आएगा और कॉन्सनेंट जहाँ पे स्टार्ट होता है जो फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सनेंट होता है तो so वहाँ पर क्या आएगा ए आएगा सो वावल्स ए आई ओ यू एंड द कॉन्सनेंट इज बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी P w X y Z so you have to just remember your vowels only five a e i o u just remember your vowels consonant apne aap vowels you will put and and for consonant you will put a uh. okay now let's switch on the this part okay so yes we were studying a and and a and an and so

अ कैट हम एन कैट नहीं लिख सकते हैं बिकॉज सी इज अ कॉन्सनेंट नॉट अ वावल तो वहाँ पे अ कैट ही आएगा ओके देन वी हैव वॉट इज दिस एग दिस इज वॉट दिस इज वॉट एग दैट इज ई जी जी एग नाउ सिंस ई इज वॉट ई इज अ वावल तो वहाँ पे क्या आएगा एन आएगा तो आप क्या लगाओगे एन एग ओके देन वी हैव वॉट इज दिस बी ए जी बैग ओके नाव बी इज वॉट बी इज अ क्या आएगा अ आएगा तो इट इज गोइंग टू बी अग देव आउलार वावल ओके दैट इज ओ कैन यू सी ओ इज अ वावल तो वहां पर क्या आएगा एन सो इट इज गु बी एन आउल देन वी हैव हेन एच ई एन तो यहाँ पे अ आएगा क्या एन आएगा Why a? Uh, because H is a H is what? H is a consonant. And for consonant you are going to put a. Uh, so it is going to be A hen. Then we have Apple. A P P L E Apple. Now what is the starting uh, letter? इट इज ए और ए क्या है आपका ए तो आपका वावल है सो फॉर वावल यू आर गोइन टू पुट एन सो इट इज गोईन टू बी एन एप्पल इफ यू राइट अ एप्पल इट इज गोइंट टू बी रॉन्ग देन वी हैव वॉट एन ईटी नेट नाउ वॉट इज एन फर्स्ट लेटर जो है ये वर्ड का वो क्या है एन है और एन क्या है एन है आपका कॉन्सनेंट एन फॉर कॉन्सनेट यू विल पुट अ

ए ई, आई ओ यू जो आपके वावल्स हो जो आपके वावल्स होते हैं उसके लिए आप क्या करते हो एन करते हो जस्ट रिमेंबर दिस दैट वावल्स के लिए आप एन लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सडेंस के लिए आप क्या लगाओगे अ लगाओगे आई होप आई हैव एक्सप्लेन यू दिस वेल नाउ आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस पेज आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू Complete this page, refer the video, and please complete page number 55 and send it to me. Thank you.